हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोगों को आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को क्लास 3 के कविता देश हमारा पढ़ाया था। वहाँ मैंने आप लोगों को पूरे कविता का भावार्थ क्या होता है, कवि क्या कहना चाहते हैं, उसका सारांश क्या है, देश से रिलेटेड क्या क्या उससे संबंधित बातें हैं, उस कविता से संबंधित क्या क्या बातें थे, कवि क्या कहना चाह रहे थे, ये सभी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में समझा दिया था। बच्चों मैं उस दिन नहीं समझा पाई थी क्योंकि उस दिन कविता का ही सारा अर्थ समझाई थी और एक दिन में सारी बातें कह देना वो संभव नहीं है क्योंकि आप लोगों को भी समझने में कठिनाई होगी। एक दिन में सभी बातें मैं कह दूँगी तो आज मैं आप लोगों को उसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को समझाऊँगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बुक ले लिया, किताबें ले ली हैं, आप लोग क्या करोगे उस किताबें से मैच करते जाओगे। मैंने ऐसे ग्रुप में प्रश्न उत्तर इसके सारे डलवा दिए हैं, आप लोग उसको खोल के आराम से ग्रुप से निकाल के कॉपी में हिंदी की फेयर नोटबुक बना लोगे और उसमें उस सारे प्रश्न उत्तर को उतार लोगे। बच्चों जैसे मैं क्लास में आप लोगों को बोर्ड पे प्रश्न उत्तर लिखाती हूँ, एक एक प्रश्न के उत्तर बताती हूँ, समझाती हूँ और लिखाती हूँ, वैसे ही अभी मैं समझा दे रही हूँ सारे प्रश्न को। ठीक है, सभी प्रश्नों को समझा दे रही हूँ और बाद में मैं क्या करूँगी और उसे नहीं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग समझ के और उसे जो मैं डलवाऊँगी ग्रुप में प्रश्न उत्तर को, उस प्रश्न उत्तर को आप लोग एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा पेंसिल से, पेन का यूज़ बच्चों नहीं करना है क्लास 3 में, आप लोग पेंसिल से सुंदर राइटिंग में एकदम सुंदर सुलेख की तरह लगे कि सुलेख लिखे हो, एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए कवर लगी हुई, और उस कॉपी में आप लोग उस ग्रुप से निकाल के प्रश्न उत्तर को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। आप लोग क्या करोगे उस ग्रुप में जाके खोलोगे क्लास 3 के हिंदी सब्जेक्ट को और उसमें लॉन्ग शॉर्ट और बहुविकल्पिक सब्जेक्ट को MCQ है ना, MCQ से भी संबंधित प्रश्न, इस पाठ से संबंधित MCQ प्रश्न भी मैंने डलवा दिए हैं, रखवा दिए हैं, आप लोग खोल के उसे अच्छे से लिख लोगे और तब जब स्कूल खुलेगी तो बस मुझे क्या करना होगा, समझा दूँगी एक बार और चेक कर लूँगी। तो आप लोगों को बस काम इतना ही करना है कि उसको ग्रुप में से खोल के और बस उसको क्या करना है, साफ़ सुथरा करके कॉपी में एकदम लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब मिलाते जाओगे MCQ वाले प्रश्न सब। पहला प्रश्न हमारा है कि देश हमारा कविता जो है उससे संबंधित जो कवि ने बातें कही थी उसी बातों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे है जिसे आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मिलाते जाना है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि इस कविता में पर्वतराज किसे कहा गया है। मैंने पढ़ाया था कविता में कि पर्वतराज किसे कहा गया है, हिमालय को, किसिरी को, कि धवलगिरी को या एवरेस्ट को। तो बच्चों मैंने पढ़ाया था कविता में कि पर्वतराज किसे कहा गया है, तो हिमालय को। तो आप लोग क्या करोगे, चार ऑप्शन होंगे है ना उस MCQ प्रश्न में, बहुविकल्पिक प्रश्न में चार ऑप्शन होंगे, उस चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का सिर्फ आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि टिक लगाना है या चारों ऑप्शन लिखना है, अगर मैं चारों ऑप्शन लिख के भी देती हूँ तो जो सही आंसर है, ठीक है ना, जो राइट ऑप्शन हो, जो राइट ऑप्शन चारों में से है, बस उसी को आप लोग क्या करोगे आंसर के तौर पे लिखोगे। तो क्या पहला प्रश्न है कि इस कविता में, यही देश हमारा कविता जो है, इस कविता में पर्वतराज किसे कहा गया है, तो पर्वतराज किसे कहा गया है, हिमालय को। किसे कहा गया है, हिमालय को। मैं डाल भी दूंगी इसे ग्रुप में, आप बस मेरी बातों को सुन के समझते जाएंगे। मैं प्रश्नों को समझा रही हूँ, आंसर नहीं लिखवा रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रश्नों को समझा रही हूँ ताकि आप लोग जब लिखने चलो उस प्रश्न उत्तर को तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज़न हो भी तो आप लोग क्या करोगे, उस वीडियो को खोल के, इसी वीडियो को आप लोग खोल के क्या करोगे, उस प्रश्न उत्तर को समझ लोगे। ठीक है, कि मैम जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो में मैम ने बोला है कि नहीं, तो आप उस वीडियो को खोल के आराम से देख लोगे, मैच करके जो भी शंकाएँ हैं, जो भी कंफ्यूजन, वो सब आप लोग अपना क्या करोगे, दूर कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा MCQ का है कि हिम का ताज से कवि का क्या आशय है। आशय मतलब क्या क्या भाव, भाव हिम का ताज जो कवि ने इस इन वाक्यों का जो प्रयोग किया है, हिम, हिम मैंने बताया था, हिम किसको कहते हैं, बर्फ को, ताज मतलब होता है मुकुट, हिम मतलब बर्फ और ताज मतलब होता है बच्चों मुकुट। तो कवि जो ये बात कर रहे हैं हिम का ताज, इसका क्या भाव प्रकट होता है, तो चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं आपको, हिमालय के शिखर पर जमी बर्फ का चित्रण या हिमालय के पर्वतों का राजा बताना, तो दोनों बातें हो सकती हैं क्योंकि शिखर पे ही, हिमालय के जो शिखर है वहाँ से बर्फ क्या है, उसे पूरी तरह से ढकी हुई है, क्या क्यों ढके हुए, तो मेरा ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो दोनों होगा। तो दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन क ख
वो किस में आ रहे हैं, तो हमारे ग ऑप्शन में आ रहे हैं। ग में लिखा हुआ है, आ रहा साफ एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, क और ख दोनों। तो आप क्या करोगे, ग ऑप्शन को लिखोगे जिसमें लिखा हुआ है क और ख दोनों। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारा, हिमालय के प्रांगण को कवि ने कैसा बताया है। प्रांगण मतलब मैंने पिछले भी क्लास में बताया था आपको, कविता जब पढ़ाया था तब। प्रांगण का अर्थ होता है आंगन, ठीक है। तो हिमालय के प्रांगण है ना, हिमालय के प्रांगण को कवि ने कैसा बताया है। तो हिमालय का जो आंगन है उसको कवि कैसा बताया है, उज्ज्वल नहीं, निर्मल नहीं, धवल नहीं, सॉरी धवल होगा सर, राइट धवल, सॉरी मेरे मिस्टेक हो गई इनसे बोलने में, तो धवल होगा। क्या होगा, धवल। पवित्र नहीं होगा, क्या होगा, धवल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ग। क्वेश्चन थर्ड का आंसर में कौन सा ऑप्शन होगा, तो ग, धवल। ठीक है बच्चों, अब है चौथा हमारा प्रश्न, हिमालय का आंगन कौन धोता है। मैंने पढ़ाया था कविता में कि हिमालय का आंगन नित प्रतिदिन कौन धोता है, तो हिमालय का आंगन नित प्रतिदिन गंगा, है ना, पढ़ाया था कविता में। तो गंगा, यमुना, हिंद महासागर या सभी, नहीं, गंगा नित धोती है आंगन, है ना कविता की पंक्ति में। तो क्या करेंगे हम लोग, गंगा जो कि क ऑप्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सही का टिक लगा लेंगे या उसको लिख लेंगे। छठा पांचवा प्रश्न है हमारा कि सागर को कवि ने, सागर, सागर का पानी कैसा होता है बच्चों, खारा। तो सागर को कैसा बताया है, सागर के पानी को या सागर को कैसा बताया है कवि ने, तो मीठा, कड़वा, नमकीन या खारा। क्या होगा, खारा। खारा मतलब होता है जो नमकीन की तरह ही लगे। तो वहाँ पे जो कवि ने चर्चा किया है ना, इस कविता में जो पंक्ति ने चर्चा किया है कवि ने, तो उसमें किस शब्द का उपयोग किया है, खारा का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, घ, कौन सा होगा, घ। तो पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, सागर को कवि ने कैसा बताया है, तो खारा, घ, घ लिख लोगे। छठा प्रश्न है बच्चों हमारा कि इस कविता में किस तरह के पवन का वर्णन किया गया है। कविता में लिखा हुआ है मलय पवन, है ना, कविता में क्या दिया गया है, मलय पवन। तो क्या होगा, इसमें है शीतल पवन, है ना, उष्ण पवन, उष्ण मतलब गर्म पवन, शीतल मतलब ठंडी पवन, या मलय पवन या मादक पवन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, घ, मलय पवन। तो आप लोग क्या करोगे, मलय पवन लिख लोगे। सातवां क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू से संबंधित कि कवि ने जिसे प्राणों से प्यारी कहा है, किसे कहा है। मैंने पढ़ाया था कविता में कि कवि ने किसे प्राणों से प्यारी बताया है या कहा है, ऋतुओं की रानी को, नंदन वन को, पशु पक्षियों को, भारत की फुलवाड़ी को। तो किसे कहा है, भारत की फुलवाड़ी को। लिखा है कविता की पंक्ति में जिक्र किया है कवि ने कि प्राणों से भी प्यारी है क्या, यह हमारे भारत की फुलवाड़ी। तो भारत की फुलवाड़ी क्या है, कवि ने क्या कहा है कि यह हमारे भारत देश की जो फुलवाड़ी है वो हमें क्या है, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। तो कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, घ। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिखा, दोनों डलवा दिया ग्रुप में, लेकिन पहले एमसीक्यू के बाद अब हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, मौखिक प्रश्न जो आप लोगों को वर्ग में, मैं कहती हूँ कि स्वयं बनाएं, जब नहीं आप लोगों से बनती है तो मैं बोर्ड पे लिखवाती हूँ, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बना लेते, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, है ना। तो मैं सबको लेके चलना है मुझे, है ना, मुझे क्या करना है, सबको लेके चलना है। तो इसलिए मैं सबके लिए क्या करती हूँ, बोर्ड पे उसके आंसर लिख देती हूँ कि ताकि सब अच्छे से कॉपी में नोट कर लूँ। तो इसलिए मैंने अभी भी यही काम किया है ना, इस लॉकडाउन में भी मैंने यही काम किया है कि बोर्ड पे जैसे वर्ग में लिखवाती थी क्लास में, वैसे ही मैंने एक पेज पे लिख के ग्रुप में उसे मैसेज करवा दी हूँ, डलवा दे रही हूँ ग्रुप में उस प्रश्न उत्तर को, ताकि सारे बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं है, सारे स्टूडेंट उसे क्या करो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। तो पहला प्रश्न हमारा है मौखिक प्रश्न से, हमारे देश के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। सीधे एक वाक्य में लिखोगे, शब्द में नहीं लिखना है बच्चों, इसे एक वाक्य में लिखोगे, जिस क्वेश्चन का है ना, जिस प्रश्न का, जिस सवाल का जितना पूछा जाएगा उसके अनुसार ही उसका उत्तर देना है। अगर मान लो मौखिक प्रश्न में ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में नहीं होकर दो वाक्य में हो रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बोला जा रहा है, वो पूछा जा रहा है हमसे, है ना। तो उसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार ही हम उसके उत्तर को लिखेंगे,
या उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि हमारे देश के उत्तर में क्या है, तो हमारे देश के उत्तर में लिखोगे हिमालय पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न है कि भारत की किन्हीं दो नदियों का, मैंने तो कितनी नदियों का जिक्र किया है ना, हिमालय की हमारे भारत की बहुत सी नदियाँ हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है ना, सतलुज है, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत की किन्हीं दो नदियों के नाम बताएं। तो आपको जो जो नाम अच्छा लगेगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी है ना, सतलुज है ना, जो जो अच्छे आप लोगों को लगते हैं, जो अच्छा मतलब जो इजी लगे आप लोगों को, याद हो जाए जल्दी, वो दो कविता का नाम मैंने लिख दिया है, मैं सॉरी वो दो नदियों का नाम मैंने लिख दिया है, आप क्या करोगे उसे लिख लोगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, अपने देश की किन्हीं दो विशेषताओं को बताएं। आप ऐसे तो हमारे देश की अनेक विशेषताएं हैं, जिसकी गणना जितनी की जाए, जिसका वर्णन जितना किया जाए उतना क्या है, कम है वो, है ना। तो हमारे देश की हम विशेषता सिर्फ दो वाक्यों में कह दे या दो विशेषता ऐसी बताए वो कम है, लेकिन प्रश्न जो हमारा पूछा जा रहा है उसके अनुसार ही हमें उत्तर देना है। तो दो विशेषताएं मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हो, अगर आपको आ रही है तो आप अपने वाक्य में लिख सकते हो अपने देश की दो विशेषताएं, कि पहला तो ये कि हमारे देश में सब क्या करते हैं, बिना मतभेद माने हुए है ना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारे देश की पहली विशेषता यह है कि हमारा देश क्या है, अनेकता में एकता का प्रतीक है, कि लाख हम अनेक हैं लेकिन जब बात की जाएगी एकता की तो हम सब क्या हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, तो अनेक हैं लेकिन हम अनेकता में भी क्या है, एकता का प्रतीक है। और दूसरी विशेषता यह है कि हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो क्या है, सभी देशों से अद्भुत है, अलग है, न्यारा है ना। हमारे देश की विशेष प्राकृतिक सुंदरता जो है वो क्या है, अन्य देशों से अलग है। तो दो विशेषताएं इसकी मैंने लिख दिया है क्वेश्चन में, वो आंसर में वो आप देख लोगे। चौथा प्रश्न हमारा है, हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं, है ना, हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, तीन ऋतुओं का नाम आप लोग लिख लोगे, ठीक है। और अब है लास्ट प्रश्न हमारा मौखिक, कि हम सब एक कैसे हैं, बिना ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव को माने, अनेकता में एकता के साथ रहकर ही हम क्या, या साबित करते हैं कि हम सब क्या हैं, एक हैं, है ना। तो हम सब एक कैसे हैं, तो हम सब क्या हैं, बिना किसी ऊंच नीच का भेदभाव माने एक साथ रहकर, या हमें क्या करते हैं, या हम साबित करते हैं, या हम यह प्रस्तुत करते हैं, या हम बताते हैं कि हम लोग क्या हैं, एक हैं। तो प्रश्न का उत्तर मैंने ऐसे लिख दिया दो वाक्यों में, बोल रही हूँ भले पांच वाक्यों में, लेकिन मैंने दो वाक्यों में लिखा है इसका आंसर, दो तीन वाक्यों में आप लोग इसे देख लोगे और अच्छे से लिख लोगे। अब बच्चों हमारा आता है इसी पाठ से संबंधित लिखित प्रश्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत लंबे हैं, चार पांच लाइन में उसका मैंने आंसर लिखा, क्योंकि जब प्रश्न मैंने अभी भी कहा कि जैसा प्रश्न वैसे ही उसके अनुसार उसका उत्तर भी लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा है लिखित प्रश्न में कि पर्वत राज हिमालय से मिलने वाले दो लाभ, है ना, पहला प्रश्न क्या है कि पर्वत राज हिमालय से मिलने वाले हमारे दो लाभ, दो लाभ हमारे कौन कौन से हैं पर्वत राज हिमालय से मिलने वाले दो लाभ। तो पहला लाभ यह है हमारे पर्वत राज हिमालय से मिलने वाला कि हिमालय पर्वत है ना से जो नदी गंगा नदी निकलती है, हिमालय पर्वत से जो गंगा नदी निकलती है वह किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए क्या है, लाभदायक है, पहला यह हुआ। और दूसरा लाभ यह है कि पर्वतराज हिमालय जो हमारे देश में प्रहरी के रूप में खड़ा है वो क्या कर रहा है, हमारे देश को शत्रुओं से क्या कर रहा है, शत्रुओं से रक्षा कर रहा है, हमारे देश की शत्रुओं से रक्षा कर रहा है, कौन, तो पर्वतराज हिमालय। तो कहा भी जा रहा है कि पर्वतराज हिमालय से मिलने वाले दो लाभ, तो पहला लाभ क्या हुआ कि उससे जो गंगा नदी निकल रही है वो किसानों के लिए क्या करिए, सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए लाभदायक है। और दूसरा क्या लाभ है, तो वो खड़ा है इस तरह, है ना, इतने ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है खड़े, जैसे मानो क्या कर रहा है हमारे देश की वह प्रहरी के रूप में, प्रहरी मतलब पहरेदार, है ना, प्रहरी के रूप में, पहरेदार के रूप में क्या कर रहा है, शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिख दिया, आप लिख लोगे, मैं समझा दे रही हूँ प्रश्न उत्तर दोनों। दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, गंगा नदी की भी चर्चा, तो एकदम शुद्ध नदी, पवित्र त्यौहार, भारत देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, बिना इसके कोई भी कार्य हमारा क्या है, संभव नहीं। मैंने पिछले क्लास में भी बताया आप लोगों को कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, जिसकी जिस नदी के पानी जल के बिना कोई भी कार्य हमारा क्या है, असफल है, अधूरा है।
तो दूसरा प्रश्न हमारा, गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो मैं अगर इसकी गणना करूँगी, अगर बोलूँगी तो जितना बोलूँगी वो भी कम है, लेकिन आप लोगों को उसके प्रश्न पूछा जाए तो मैं उसके अनुसार 3-4 वाक्य में लिखी हूँ, आप उसे देख लोगे तो इसका आंसर मैं बता रही, समझा दे रही हूँ कि आखिर गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो गंगा नदी अपने तटों पर क्या करती है, उपजाऊ भूमि से हमें क्या कर रही है, स्वर्ण फसलें प्रदान कर रही है ना। गंगा नदी तट मतलब क्या होता है, किनारा। तो वो जो गंगा नदी अपने तटों पर जो उपजाऊ मिट्टी है ना, उपजाऊ भूमि, वो हमें देकर क्या कर रही है, फसलें प्रदान कर रही है। उसकी मिट्टी से क्या हो रही है, फसलें एकदम सोने की तरह लहलहा रही है हमारे देश में, है ना। और इसका पानी जो व्यापक रूप से क्या होता है, सिंचाई के लिए मिलता जा रहा है। उस नदी का पानी क्या होता है, सिंचाई के रूप से मिलता जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, किसानों को खेती करने में, फसल उगाने में क्या हो रही है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। और कृषि प्रयोजन में भी इसका क्या किया जाता है, इस नदी के जल का कृषि प्रयोजन में भी क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जिस कारण हमारी गंगा नदी क्या है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो उसके पूजा पाठ की चर्चा करोगे तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक सटीक उत्तर होना चाहिए बच्चों, है ना, कि प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुसार एक सटीक उत्तर हमें देना है। ऐसे तो हम लिख सकते हैं कि हाँ उस नदी के जल से पूजा पाठ होते हैं, जिस कारण हम वो नदी का जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम उसका अच्छा एक सटीक उत्तर देंगे, एक सही उत्तर देंगे, तो वो हमें क्या लिखने में भी और पढ़ने में भी हमें क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने लिख दिया है कि गंगा नदी अपने तटों पर उपजाऊ भूमि से हमें स्वर्ण फसलें प्रदान करती है, इसका पानी व्यापक रूप से सिंचाई और कृषि प्रयोजन में उपयोग किया जाता है, जिस कारण गंगा नदी हमारे लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, फिर भी दो लाइन में मैंने इसे लिखा है, तीन लाइन में। क्या है कि भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, सागर ही सागर है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते, इसे हम अपने वाक्यों में लिखेंगे कैसे, तो भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में बच्चों हिंद महासागर है, जो कि हमारे देश को क्या कर, हमारे देश के चरणों को क्या कर रहा है, धो रहा है। क्या कर रहा है, हमारे देश के चरणों को धो रहा है, निरंतर धो रहा है, है ना। क्या, तो हिंद महासागर पखारता है। मैंने कविता की पंक्ति में जिक्र भी किया है कि क्या कर रहा है, कि हिंद महासागर हमारे भारत के चरणों को क्या कर रहा है, धो रहा, पखार रहा है। तो इसे हम अपने वाक्यों में लिख सकते हैं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो कि हमारे देश के चरणों को पखारता है। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि देवताओं का नंदन भी हमारे देश से कैसे कम है। मैंने कविता की पंक्तियों में भी बताया है, समझाया है कि हमारे देश की जो प्राकृतिक है ना सौंदर्य है, या कहीं देवताओं का जो हमारे देश प्राकृतिक के कृपा दृष्टि बनी हुई है, प्राकृतिक सुंदरता की जो कृपा दृष्टि बनी हुई है, वो अलौकिक है, अद्भुत है ना। तो इतनी सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता इतनी अनोखी है ना, जिसके कारण क्या है, देवताओं का मतलब ईश्वरों का जो नंदनवन, जैसे हम मैंने बताया था पिछले क्लास में, नंदनवन कहने का अर्थ है इंद्र की वटिका। क्या होगा, इंद्र की वटिका। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवताओं का नंदन भी हमारे देश से कैसे कम है। तो प्रकृति का हमारे देश पे क्या है, विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हमारे देश में फल फूल भी क्या होते हैं, ऋतुओं के अनुसार आते हैं और ऋतुओं के अनुसार ही जाते हैं, है ना। प्राकृतिक है ना, फल फूल भी क्या है, प्राकृतिक से भी संबंधित है ये सब। तो हमारे देश में जो फल फूल भी आते हैं वो ऋतुओं के अनुसार ही आते और जाते हैं, जिस कारण क्या करते हैं, जिस कारण हमारा क्या है, नंदनवन, जो हमारे देवताओं का नंदनवन भी जो है वो भी हमारे देश के सामने क्या, हमारे देश के सामने कम है। तो देवताओं का नंदनवन भी हमारे देश के सामने किस लिए कम है, तो प्रकृति का हमारे देश में विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है, तथा यहाँ हमारे फल फूल जो हमारे देश में आते हैं वो ऋतुओं के अनुसार आते हैं। इन्हीं सभी कारणों से हम यह कह सकते हैं कि देवताओं का नंदनवन भी हमारे देश से क्या है, हमारे देश से कम है। अंतिम प्रश्न बच्चों, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेकता में एकता का प्रतीक, अनेकता में एकता का प्रतीक, यह हमारे देश का क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। और उसके बाद तो इसकी जितनी विशेषता की जाए, मैंने पीछे भी बताया वो कम है, कि हमारे देश में क्या है, प्राकृतिक सुंदरता है चारों ओर, है ना, जो हमें क्या करती, आकर्षित करती है। अन्य देशों में यह चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, जो हमारे देश में प्राकृतिक दृश्य है, हमारे देश का जो प्राकृतिक दृश्य है अलौकिक, अद्भुत, अनोखा, वो अन्य देशों में नहीं है। तो यही सभी क्या है, हमारे देश की विशेषता है।
इसके अलावा यह भी हम लिख सकते हैं कि ऊंच नीच जाति पाति इन सभी चीज़ों का हमारे देश में किसी तरह का अमीरी गरीबी किसी चीज़ का कोई भेदभाव मतभेद नहीं है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिख लोगे। एक लास्ट प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ लिखो, है ना बच्चों। तो ये कविता से ही आए हैं पंक्ति जो लिखा हुआ, मलय पवन करता है चंदन, अंगराज करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा देश हमारा, है ना। तो ये हमारा लिखा हुआ कविता की पंक्ति में जिसमें कवि ने चर्चा किया है उसी का आशय उसी का भाव क्या करना है, स्पष्ट करना है, लेकिन बोल कर नहीं, उसे अपने कॉपी में लिखना है। तो तुम आप लोग से होती नहीं ये चीज़, कविता की पंक्तियों का भाव लिखना आप लोगों से संभव नहीं है। अभी आगे लिखोगे आप लोग। मैंने इस कविता का जो पंक्ति का जो भाव है, जो भाव स्पष्ट हुआ है, वो मैंने क्या किया है, मैंने वो भी लिखवा दिया है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग वो भी क्या करोगे, अच्छे से नोट कर लोगे। लेकिन मैं समझा दे रही हूँ, शॉर्ट में करके आपको समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ लो और इसे क्या करोगे, अपने कॉपी में लिख लोगे। तो क्या है कविता की पंक्ति, मलय पवन करता है चंदन, अंगराज करता ले चंदन, मलय पवन करता है वंदन, अंगराज करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा, है ना, देश हमारा। तो ये कविता से ही आई है तीन पंक्ति, कहाँ से आई है, हमारे इसी देश हमारा कविता से कवि ने क्या किया, तीन पंक्तियों को निकाल के बोला बच्चों को भाव स्पष्ट करने के लिए, इसका आशय स्पष्ट करने के लिए। आखिर ये कविता की तीन पंक्तियाँ क्या कहना चाह रही है, क्या आशय स्पष्ट करती है, यह लिखना है। तो मैंने लिख दिया है अच्छे से प्रश्न उत्तर के साथ ही, इसे भी आप लोग इसे भी लिख लोगे कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियों से कवि यह आशय स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश की जो मलय हवाएं हैं हमारे देश की स्तुति कर रहा है, है ना। मलय पवन जो है वह भी हमारे देश की, वंदन मतलब क्या, स्तुति मतलब उसकी पूजा अर्चना स्तुति करता है, तथा अंगराज इसके क्या कर रहा है, इसकी तिलक कर प्रेम रस तथा सुगंध की धारा बहा कर क्या कर रहा है, हमारे देश में हमारे देश की क्या कर रहा, गुणगान गा रहा है। फिर से बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियों से कवि यह आशय स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश की मलय, है ना, मलय पवन मलय हवा भी हमारे देश की तिलक कर स्तुति करता है, मलय हवा भी हमारे देश की स्तुति करता है, तथा अंगराज इसके तिलक कर प्रेम रस तथा सुगंध की धारा बहाकर हमारे देश के निरंतर गुणगान गा रहा है। बच्चों सारे प्रश्न मैंने अच्छे से समझा दिया है, एक एक का एक एक के अर्थ कवि प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है वह प्रश्न क्या कहना चाहते हैं और उसके अनुरूप उसके अनुसार क्या उसका उत्तर होना चाहिए, यह भी मैंने बता दिया। आप लोग को बस इतना ही करना है कि जो मैं होमवर्क में डाल रही हूँ इसे ग्रुप में, आप लोग सबको अपने कॉपी में नीट एंड क्लीन साफ सुथरे से लिख लोगे। मैं बार बार कर रही हूँ, पेंसिल से साफ सुथरा लिखोगे ताकि जब स्कूल खुलेगी तो मैं उसे अच्छे से नोट कर लूँ। और शब्दार्थ भी आप लोग अपने, है ना, कॉपी में चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर शब्दार्थ भी लिखते जाओगे जैसे पिछले क्लास में लिखते थे आप लोग। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊँगी समझाऊँगी। थैंक्स।